अस्सलाम वालेकुम, मैं मीरब सैलून से। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए मुझे एक मैसेज आया था कि स्याहियों के लिए कोई क्रीम बताएं। काफ़ी देर पहले मैसेज आया था। मैं जब से रिसर्च कर रही थी फ्रैकल्स पर, मैं ऑलरेडी भी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ कि जो फ्रैकल्स हैं वो आपका स्किन का इशू नहीं है, वो आपके इंटरनल इशूज़ की वजह से आती हैं। तो जब इंटरनल इशूज़ की वजह से आते हैं तो क्रीम से कैसे जा सकते हैं? फिर आपके इंटरनल इश्यूज दूर होंगे तभी फ्रैकल्स जाएंगे, अदरवाइज फ्रैकल्स नहीं जाते हैं। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से भी मिली, उन्होंने भी कहा, मुझे यही कहा कि या तो आप लेज़र ट्रीटमेंट करवाएं या फिर जितनी भी क्रीम्स हैं, काफ़ी सारी अब तो क्रीम्स आ गई हैं, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, लेकिन सब के सब ही आर्जी हैं। जब तक आप यूज़ करेंगे तो जब भी ख़त्म नहीं होते हैं, लाइट हो जाती हैं, जैसे ही आप छोड़ते हैं वो वापस इन्हेंस हो जाते हैं। बेसिकली कुछ लोगों का स्टमक डिस्टर्ब है, उसकी वजह से फ्रैकल्स आ गए हैं। कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयली है, उसकी वजह से फ्रैकल्स आ जाते हैं। कुछ लोगों ने वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ की, वाइटनिंग क्रीम यूज़ करने से वो पील होती गई, स्किन पील होती गई, पील होती गई, फिर लास्ट में जब हमारी एंड की स्किन रह जाती है तो वो जगह जगह, जिसको कहते हैं हम, कहीं पिगमेंटेशन ज़्यादा हो गई, कहीं पिगमेंटेशन कम हो गई, तो इस तरह से वो भी हमारा एक स्याहियों का सबब बनता है। तो काफ़ी सारी रीजंस हैं, तो इन सब में मैंने कुछ लोगों को कुछ चीज़ें सजेस्ट की, उसका मैंने तजर्बा देखा, फिर उसके बाद आज मैं आपके पास ये वीडियो लेकर आई हूँ। अब वो क्या हैं? जब हमें इंटरनल इश्यूज बनते हैं, जैसे हम औरतें प्रॉपरली डाइट नहीं लेती, जाहिर सी बात है बेबीज़ एक दुनिया, एक ज़िंदगी को दुनिया में लेकर आना, आपकी बॉडी से एक अलग बॉडी का, तो उस सारे ये इश्यूज़ जो हैं ये पिगमेंटेशंस की वजूहत बनती हैं। कुछ लोगों को इन दिनों में भी पिगमेंटेशन हो जाती है, फिर हम केयर नहीं करते, हम प्रॉपरली डाइट नहीं लेते, हम बच्चों, हमारे यहाँ जो माहौल है वो ये है कि जी एक औरत ने सास ससुर को भी संभालना है, हस्बैंड को भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, आए गए को भी देखना है, यानी पूरे पूरे ऑल टू ऑल हर चीज़ को मैनेज करना है, तो उसके पास अपने लिए टाइम नहीं बचता, ना ही तो वो अपनी प्रॉपरली डाइट लेती है, ना ही तो वो अपनी सेहत का ख्याल रखती है। तो जब सेहत के बिगाड़ शुरू होते हैं तो लास्ट मोमेंट्स पे जब हमारे चेहरे पे इस तरह की पिगमेंटेशन आती है तब हमें फिक्र होती है, फिर हम कहते हैं कोई एक जादुई क्रीम बन जाए, कोई जादुई चीज़ मिल जाए जो हम रात को लगाएं और सुबह को ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। जब सालों में जो चीज़ आपने बिगाड़ी है वो घंटों में ठीक नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैंने कुछ लोगों के ऊपर थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए, कुछ लोगों को सजेशन दिए, उन लोगों ने वो यूज़ किए, उसके रिजल्ट्स मुझे दिए, तब मैं आज आपके आगे सामने ये वीडियो लेकर आई। ये वो मेडिसन्स हैं जिसके मुतालिक मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। ये स्पेशल ही स्किन के लिए बनाई गई हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आ जाते हैं, जो बच्चियां जो हैं जिन्होंने वाइटनिंग क्रीम लगा लगा कर अपनी स्किन को बिल्कुल खराब और तबाह कर लिया, तो ये उनके लिए है। इससे ना सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन जाएगी बल्कि आपका कलर भी फेयर होगा, तो आपको वाइटनिंग क्रीम्स यूज करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही को साथ आपको लेकर चलना पड़ेगा, ये है ग्लूटाफेयर और ये है वाइटमिन सी। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, ये कोई आपको नुकसान नहीं देगा, ना ही आपको कोई और मसाइल देगा। ग्लूटाफेयर ना सिर्फ आपके कलर वाइटनिंग के लिए बल्कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी हड्डियां मजबूत करता है, इससे जो जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही है और जिन लोगों को, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इन दोनों को लेने से जिन लोगों को प्री मेच्योरिंग एजिंग आ जाती है, यानी फाइट लाइन्स, झुर्रियाँ वो टाइम से पहले आ रही हैं, वो भी कवर होती हैं, इससे आपका रंग भी साफ होता है, ये आपके टिश्यूज, जो टिश्यूज डैमेज हो गए हैं उसको भी रिपेयर करता है, किसी किस्म के भी पिगमेंटेशन है उसको साफ करके आपके रंग को साफ करता है, ये आपके जिगर को भी ठीक रखता है और ये आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, तो ये आपके दांतों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, एवरी बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ ये आपको आते हैं।
तो आप ये यूज करें, जो यंग एज में जिनको पिगमेंटेशन आ रही है वो इन दोनों को खाने से उनको फर्क पड़ जाएगा, और जो थोड़े से यानी 30+ में आ रहे हैं, 40+, 30+, 30+ वाले आप सिंपल कॉलेजन भी ले सकते हैं। कॉलेजन अन से भी जो है आपकी पिगमेंटेशन दूर होगी, आपका कलर बेहतर होगा, आपके स्किन के टिश्यूज, ये जितनी भी मेडिसिन है ना, ये बनी ही आपकी स्पेशल स्किन के लिए है। ये जिन जगहों पे आपको विटामिन्स कम होते हैं तो आपकी स्किन में इश्यूज नजर आने लग जाते हैं, उन जगहों को फिल करता है। और जो जेंसल है, ये जो दो है ना, ग्लूटाफेयर और जेंसल, ये वाला सेट और ये दो बहुत ही बेस्ट हैं यंग लोगों के लिए, ये बहुत बेस्ट है, और जो थोड़ा 30 से अबव आ जाते हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट है, ये बहुत बेस्ट है। वैसे तो कॉलेजन भी बहुत अच्छा है, ये सभी के अंदर इन्होंने क्वालिटी रखी है कि आपकी एंटी एजिंग पर भी ये वर्किंग करता है। लेकिन जो जेंसल है ये स्पेशल जिनकी ड्राई स्किन है और उनको बहुत जल्दी जो है ना फाइव लाइन्स आ रहे हैं, जो कश्मीर साइड पे रहते हैं, जो ठंडी जगहों पर रहते हैं, उन लोगों को बहुत ड्राइनेस होती है, ये उनके लिए बहुत बेस्ट है। क्यों? ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है और इसके अंदर कॉलेजन है, सिर्फ सिंपल कॉलेजन जो है इसमें, ये देखिए इस पर लिखा हुआ भी है, इसमें कॉलेजन की जो मिकदार है ना वो बहुत ज्यादा है। जो इनकी कॉलेजन वाली मेडिसिन है उसके अंदर और बहुत कम है एमजीज, और इसके अंदर जेंसल के अंदर जो आपका कॉलेजन है ना वो 1000 mg का है, तो इसमें मिकदार भी आपकी बढ़ जाती है। और इसके अंदर बायोटीन भी है, यानी आपको बालों के लिए भी अलग मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है। इसमें विटामिन सी भी है, ये तकरीबन आई थिंक 3000 की ये है और आई थिंक 6 की ये है, तो ये 3500 रुपये की ये आपकी मेडिसिन पड़ती है, और ये 2000 तक की ये आपकी ये सिंपल मेडिसिन आती है। और इसमें सभी है, आपका विटामिन सी भी है, आपको बायोटीन भी है, इसके अंदर आपका कॉलेजन भी है, और ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ये बहुत ही बेनिफिट्स है। इसमें आपका कलर भी फेयर होगा, इसके अंदर आपके स्किन, बाल, हेयर, नेल्स, ये हर चीज़ के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है, और इससे स्पेशली आपकी पिगमेंटेशन जाएगी। स्याहियाँ क्या हैं? आपकी पिगमेंटेशन है जो अंदर से आती हैं, तो ये उन पिगमेंटेशंस को दूर करेगा। आप ये मल्टीविटामिन्स लेना शुरू करें, कोई क्रीम यूज़ ना करें, जितनी भी क्रीम्स है जो मैं ऊपर लगा रही हूँ, वो जितनी भी क्रीम्स है वो सब आपकी स्किन को पील ऑफ करती हैं। क्या होता है, ऊपर से स्किन की आपकी लेयर उतरती जाती है, लेयर उतरती जाती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, सूरज में आप निकलते हैं रेडनेस हो जाती है, और ज़रा सा भी कुछ हो जाए आपकी स्किन को फौरन रिएक्शन हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि आपकी स्किन पतली हो चुकी होती है, उसमें जो ताकत अल्लाह ने रखी है, जो पहली लेयर आपकी आपको प्रोटेक्ट करती है, वो लेयर उतार देती है, तो वो नुकसान में चले जाते हैं। तो ये जो विटामिन्स हैं ये आपकी स्किन, नेल और हेयर्स को ही ठीक रखने के लिए बनाए गए हैं, तो आप इनको लीजिए, और ये बहुत ऑथेंटिक है। मैंने खुद बहुत सारे लोगों को यूज़ कराने के बाद इसके रिजल्ट्स देखकर आपको जो है ना मैं इसका सजेशन दे रही हूँ। आप इनको खाने का तरीका क्या है? इनको खाने का तरीका ये है कि जब आपने ये ग्लूटाफेयर लेनी है तो उसके साथ विटामिन सी लाजमी लेनी है इन दोनों का, और ये सुबह आपने नाश्ते के फौरन बाद लेनी है, और इसके साथ आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी का इंटेक जितना ज़्यादा रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। और जिन लोगों को अगर स्टमक में पेन या इस तरह का कुछ इशू बनता है कि कुछ हैवी लग रहा है उन्हें, तो आपने क्या करना है कि जब नाश्ता आप कर रहे हैं तो आपने दरमियान में, नाश्ते के दरमियान में एक टैबलेट इसकी और एक इसकी आपने ले लेनी है। ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है 30 टैबलेट्स, ठीक है, ये मैंने ज़्यादा टैबलेट्स की मंगाई है, 90s की है, बहरहाल इसके साथ 30 टैबलेट्स का ही मिलता है। 30 टैबलेट्स का मतलब ये कि पूरे एक माह की है ये मेडिसिन, पूरा एक माह, और ये कम से कम 3 मंथ्स आपने लेनी है। 3 मंथ्स लेंगे फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसका भी ये 60 टैबलेट्स हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं वो दिन में 2 लेंगे, और जिनको इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है वो दिन में 1 ही लेंगे। तो अगर दिन में 1 लेते हैं तो ये 2 माह चल जाएगी, अगर 2 लेते हैं तो ये 1 माह चलेगी, और ये भी आपने नाश्ते के साथ ही लेनी है। तो इसका तो इतने कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना कोई इतना इशू बनता है, लेकिन फिर भी इनके जितनी भी मल्टीविटामिन्स लेते हैं उनमें आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। सिर्फ यही नहीं, और भी कोई मल्टीविटामिन्स लेंगे तो आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना है।
यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये कोई पे वाली नहीं है क्योंकि अभी मैंने खुद ही परचेज़ की हैं। ये मैंने परचेज़ करने के बाद जिन लोगों को रिकमेंड किए हैं उन लोगों ने यूज़ करके जब मुझे रिजल्ट्स बताए हैं, ये देखें ये बिल्कुल खाली हो चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी सी रह गई हैं, उन लोगों ने ही मुझे इसके रिजल्ट्स बताए हैं। ये उन्हीं से मैं लेकर तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि इनके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं। आप भी यूज़ करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे क्या होगा कि जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो नीचे कमेंट्स भी पढ़ेंगे, कमेंट्स पढ़ेंगे तो उन लोगों को भी पता चलेगा कि वाकई ही अथेंटिक है, इसके रिजल्ट्स हैं, और वो बाकी लोग भी इसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोगों के मसाइल हल होंगे। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।